प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड की अभी तक की सबसे बड़ी खबर, जो रिजल्ट के बाद असंतुष्ट छात्र हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, जो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कि वो ऑफलाइन परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ एमपी बोर्ड ने अभी एक बहुत बड़ा आदेश जो है वो पारित कर दिया। आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त से लेकर आप जो है 10 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। यदि रिजल्ट से आप असंतुष्ट हैं, रिजल्ट से खुश नहीं होते हैं, आपको रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, और जिस सिस्टम से रिजल्ट बनाया गया है, जो रिजल्ट फार्मूला था, उसको आप नहीं मानते हैं, तो आप परीक्षा दे सकते हैं। और 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं एग्जाम के लिए। और जो एग्जाम है उसकी डेट भी यहाँ एमपी बोर्ड ने दे दी है, 1 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आपके एग्जाम होंगे, जिसके लिए टाइम टेबल अभी बाद में घोषित किया जाएगा, परंतु यहाँ पे पूरी तरह से जो डेट है वो एमपी बोर्ड ने घोषित कर दी। और ये हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम वाले हैं, हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट, उन सभी के लिए एग्जाम होंगे। तो अभी तक की बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर यह भी तय हो गया कि अब रिजल्ट जो है वो 1 अगस्त से पहले 10वीं और 12वीं दोनों का आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद ही स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। रिजल्ट देखकर कि वो रिजल्ट से यदि संतुष्ट है तो कोई बात है ही नहीं, फॉर्म भरेंगे नहीं, परंतु जो विद्यार्थी रिजल्ट से असंतुष्ट होता है, जो रिजल्ट में उसके कम % बनते हैं या मन मुताबिक नहीं बनते हैं, तो वो ऑनलाइन पंजीयन के लिए 10 दिन का टाइम दिया है, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, तो वो ऑनलाइन पंजीयन करा पाएगा। अब जब उस समय पंजीयन होगा, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि किस तरह पंजीयन करना है। उसके बाद सितंबर में आपको टाइम दे दिया है, डेट दे दी है, 1 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक में आप लोग एग्जाम दे पाएंगे, उसका टाइम टेबल बाद में घोषित किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चाहते थे कि एग्जाम और प्रॉपर एमपी बोर्ड टाइम टेबल यहां पर जारी करे, तो उन सभी के लिए खुशखबरी है कि वो अब अपनी तैयारी कर सकते हैं। और बाद में आपको सितंबर में एग्जाम होते हैं तो बहुत जल्दी रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, जिससे आप कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। और इससे रिजल्ट आना भी अब तय हो गया है कि 31 जुलाई तक सभी रिजल्ट आपके 10th और 12th के आ जाएंगे। तो आगे अब जो भी अपडेट आती है स्टूडेंट्स, फिर मैं लेकर आता हूँ, वीडियो उस पर बनाऊंगा आगे की, किस तरह पंजीयन करना है, कैसे एग्जाम की तैयारी करना है। फिलहाल अभी तक की अपडेट, सबसे बड़ी खबर ये थी। तो चैनल से जुड़े रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कर लें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू सो मच।